हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज। तो ये एचएस सेकेंड ईयर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन है। इससे पहले तुमने देखा होगा, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस की थी, उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस की थी। और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेस्ड में जो न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर 2 में थे कैपेसिटर के, उसको भी मैंने कहा था कि कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि वो तुम कर पा रहे हो। कुछ होमवर्क्स मैंने दिए थे तो उसका कॉमेंट मुझे आंसर भी मिला हुआ है। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो होता है वो किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है ना। और ये जो चीज़ है मीटर ब्रिज, ये टोटली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो कुछ ऐसा था हमारे पास, याद करके देख लो। ये फोर आर्म्स पे फोर रेजिस्टेंसेस थे, है ना, थ्री नोन रेजिस्टेंसेस थे और एक अननोन रेजिस्टेंस थे, ठीक है। मान लो ये अननोन है तो एस का जो वैल्यू है वो हमने डिटरमाइन की थी। यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर थे जिसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी था। फिर सर्किट बोर्ड पूरा जो आई कैसे जा रहा है वो मैंने दिखाया हुआ है। अगर यहाँ से आई जाएगा तो फिर बैक यहाँ पे आई ही आएगा, वो कैसे स्प्लिट होके कैसे कैसे आई होता है वो मैंने दिखा दिया था। बट मुझे जो कहना है यहाँ पे ये है कि मीटर ब्रिज जो है इसका प्रिंसिपल टोटली बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये समझते हो तो ये ईजिली हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा और ईजी ये बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट है ये प्लस टू के। ये तुम्हारे पास क्लास 12 जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल भी तुम्हें करना है मतलब। तो ये यहाँ से तुम थ्योरी सीख लोगे और जब प्रैक्टिकल करोगे तब मतलब और आसान ही होगी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिकल करना है मतलब, तुम्हारे सिलेबस में ये है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस इसके ऊपर बेस्ड है। इसका थ्योरी क्या कहता था, कहता था कि यहाँ से अगर मैं आई जी करंट जो जा रहा है, अगर ये जीरो हो गया, आई जी इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, तब हम ऐसे कह देते हैं कि P by Q equal to R by S, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि P से लिख लो P by R equal to Q by S, कोई भी एक स्टेटमेंट तुम कह सकते हो। मतलब ये चीज़ होने वाला है कब, when the galvanometer is showing no deflection, मतलब IG जो होगा मतलब galvanometer से जो करंट जाने वाला है वो गया ही नहीं है ना। तो इसी के ऊपर बेस्ड है मीटर ब्रिज। पहले इसका मैं सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अगर फॉलो करेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मतलब हमारे पास फोर आर्म्स में फोर रेजिस्टेंसेस होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे फोर रेजिस्टेंसेस हो गए वो मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में एक अननोन रेजिस्टेंस था। तो इसका जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट है तो इसमें करना क्या है, इसमें भी तुम्हारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस रहेगा और उसका वैल्यू कितना ओम है उसको तुम्हें डिटरमाइन करना है। देखो अननोन रेजिस्टेंस जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ तुम्हें वायर दिया जाएगा, एक अननोन वायर दिया जाएगा, उस वायर का रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलो तो इसका जो डायग्राम है वो जल्दी से बना लेता हूं। तो मीटर ब्रिज, मीटर मतलब ये इस मीटर ब्रिज में जो मीटर ब्रिज वायर है, मीटर ब्रिज वेयर है वो ना 1 मीटर का है। तो ये एक रीज़न है इसका नाम जो है मीटर ब्रिज है, ठीक है। इसका नाम मीटर ब्रिज होने का रीज़न ये है क्योंकि मीटर ब्रिज का जो वेयर होता है उसका लेंथ होता है 1 मीटर, ठीक है। मैं बना लेता हूँ डायग्राम। तो ये ऊट का बना हुआ होता है यहाँ पे, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये सारे ऊट पीसेस है मैंने जो बनाया अभी, ये भी। बहुत अच्छा डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं करता, वो मुझे पता है वैसे। तो यहाँ से एक वायर होता है, यहाँ से कनेक्टेड, ये जो वायर मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, लंबा लाइन खींचा, तो यहाँ पे एक स्केल भी तुम्हें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ना एक स्केल भी मिल जाएगा, एक स्केल तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे। ये स्केल ऐसा रहेगा, यहाँ पे पूरा ऐसा रहेगा, ठीक है। और स्केल में तुम रीडिंग देख सकते हो, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे करके एंड तक, मतलब 0 से लेके यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक है तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब 1 मीटर लेंथ का ये एक स्केल बना हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारा रीडिंग तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग यहाँ से देख सकते हो,
ठीक है, तो मैंने ये बता दिया मुझे इस डायग्राम को और भी ड्रॉ करना है और कुछ भी देना है यहाँ पे, इसलिए मैं ये फॉर द टाइमिंग ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था कि इसके नीचे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब तुम प्रैक्टिकली करोगे तो तुम्हें एक ऐसा स्केल मिल जाएगा जहाँ पे पूरा रीडिंग्स होगी 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक, 1 मीटर वाला है ये। ठीक है, चलो अब देखो ये जो गैप है, ये दो गैप्स मिलेंगे तुम्हें, इस गैप में ना तुम्हें तुम्हारे पास एक नॉन रेजिस्टेंस होगा, तो इसको मैं ऐसे डब्बा बना के आर लिख रहा हूँ, आर भी अगर लिख दूँ तो रेजिस्टेंस बॉक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सारा कनेक्टिंग वायर है और ये कनेक्टेड है। ठीक है, इस गैप में तुम्हें एक अननोन रेजिस्टेंस जो है, जो वायर तुम्हें दिया जाएगा, मतलब जिसका तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स एक डब्बे की तरह होता है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होता है, इसमें जितना रेजिस्टेंस मान लो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, पहले लिख देता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में ना ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो शायद तुम्हें समझ में ना आए इतना बारीकी से, बट तुम जब प्रैक्टिकली करोगे तब पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ना रेजिस्टेंस बॉक्स मेंशन ना करके ऐसे करके आर दे के मैं बोल सकता था कि दिस आर इज नोन टू यू और इसका नाम एस है, इट इज़ अननोन रेजिस्टेंस, इसको तुम्हें डिटरमाइन करना है। ठीक है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ होता है प्रैक्टिकल में, इसलिए मैंने ऐसे रखा, ऐसे रख दिया और ये आर भी लिखा, तो आर भी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका एक वैल्यू आर होगा, मतलब आर होगा मतलब मान लो ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है ना, तो तुमने जो भी उठा दिया यहाँ से, मतलब इसको उठाया जा सकता है, मतलब मान लो ऐसे है कनेक्टेड ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे करके उठा सकते हो, मतलब इसको तुम उठा सकते हो ऐसे करके उठा सकते हो, मतलब इसको उठा दिया तो मतलब 10 ओम कनेक्ट हो गया, तो गिवन है वो वैल्यू, तुम्हें अब पता है कि 10 ओम आप एक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, दैट आई नो, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब बहुत आसानी से समझ जाओगे और तब करोगे, मतलब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स तुम्हारे हाथ में ही होगा। चलो फॉर द टाइमिंग तुम इसको ऐसे ही मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, नोन है, उसका वैल्यू मान लो आर है, जो भी तुमने अप्लाई किया हो, 10 ओम हो, 2 ओम हो, 5 ओम हो। ठीक है, चलो ये तुम्हारे पास जो वायर है, ये मीटर ब्रिज वायर है, इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ने बोला कि ये वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, तो सर ने तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस ही दिए हैं, वेस्टर्न ब्रिज में तो 4 होते हैं और गैल्वेनोमीटर को लेके 5 रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, गैल्वेनोमीटर का भी तो एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस आर देयर, जिसमें से ये नोन है, ये अननोन है, हमें अननोन निकालना है। एक चीज़ और पता है, ये जो लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर है वो 1 मीटर का है। ठीक, अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से लेके हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से लेके सेल हैविंग ईएमएफ ई, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं नाम दे रहा हूँ सी, और सी पॉइंट से देखो तुम्हारे पास, मैं जल्दी से ड्रॉ करके दे देता हूँ फिर से, कि मान लो ए बी सी डी ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे बी दे दिया ना, तो ये सी पॉइंट से डी पॉइंट तक तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, है ना, याद है ना, और ये इसमें रेजिस्टेंसेस थे किस में, मीटर ब्रिज में, सॉरी वेस्टर्न ब्रिज में, है ना, ये रेजिस्टेंसेस तुम्हारे पास 4 ओम्स में थे, वेस्टर्न ब्रिज के बात कर रहा हूँ, मीटर ब्रिज तो ये है। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट में तुम क्या करते हो, मतलब इन दोनों पॉइंट पे ए और बी नाम दे दिया ना, चेंज करना है तो कर सकते हो, चलो अगर मैं ऐसे दूं, ये बी दूं, ये सी दूं, तो थोड़ा सा ए बी सी डी ऐसे सिमेट्री हो जाता है, तो ए और सी, तब मुझे इसको सी नाम देना पड़ेगा और इसको बी। ठीक है, तो बात को समझो कि ए और सी पॉइंट को लेके तुमने सेल कनेक्ट कर दिया था, तो मैंने भी यहाँ पे देखो ए और सी पॉइंट पे सेल कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हो कि बी और डी पॉइंट में, डी एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे तुम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे, तो यहाँ से लेके हम क्या करते हैं, एक वायर लेके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और इसके साथ एक जॉकी रहता है। ठीक है, ये जॉकी इस तरीके का होता है, मतलब ये पेन जैसा, मतलब इस मार्कर जैसा नहीं, मतलब यहाँ पे इस जॉकी को, यहाँ से कनेक्टेड है जॉकी, इसको तुम ऐसे पकड़ सकते हो और पकड़ के तुम ना यहाँ से लेके इसको ऐसे मूव कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, मतलब ठीक है,
इसलिए कभी कभी इसको स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं, मीटर ब्रिज को। इसको तुम ऐसे रीडिंग लेने के लिए जॉकी का ये जो टिप होगा इस वायर के ऊपर तुम कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो पूरा वायर, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो। तो कहीं पे भी रखने का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंगली तुम जितना लेंथ पे रखोगे, पूरा लेंथ कितना है 1 मीटर है, अब तुम यहाँ पे रखे हो तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो 1 मीटर नहीं होगा, बहुत कम होगा, है ना, लेस देन 1 मीटर होगा। यहाँ पे भी लेस देन 1 मीटर होगा, पूरा रख दोगे तो फिर 1 मीटर होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी तुमने इस निप को, मतलब ये जो जॉकी मैंने बताया, ये जो ऐसे एरो देके रखा हुआ हूँ वो तो जॉकी है, इसको तुम यहाँ पे रखोगे तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन देगा, जितना रीडिंग देगा, यहाँ पे रखने से डिफरेंट रीडिंग देगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली कितना ओम तुमने यहाँ पे अप्लाई किए हो, मतलब मैंने पहले ही दिखाया था रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंसेस होते हैं, तुमने 5 ओम उठाया या फिर 10 ओम उठाया या फिर 2 ओम उठाया या फिर 50 ओम उठाया या फिर 100 ओम उठाया, तो उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन दैट केस, और इसको तुम जहाँ जहाँ पे रखोगे उसके हिसाब से इसका रीडिंग डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। चलो और एक चीज़ बता देता हूँ, बाकी ये जो वायर है, मतलब मीटर ब्रिज वायर जो है वो बेसिकली कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन का बना हुआ होता है। मतलब कौन सा वायर के बारे में, देखो ये सारा भी तो वायर ही है, ये सारा भी वायर है, इन बिटवीन इस वुड में भी वायर कनेक्टेड है, सारा कनेक्टेड है, वायर है इसमें, ये तो पीस ऑफ वुड है, इसके साथ साथ कॉपर वायर होता है, ठीक है। बट ये जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन का वायर होता है। तो अब मैं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉन्स्टेंटन वायर या फिर मैंगनीन वायर जो है वो क्यों यूज हो रहा है, जल्दी से बताना, सोच लो। हिंट ये है कि मैंने इसका आंसर दे दिया था पहले ही। मैंने इसका आंसर कब दिया था, जब मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ कर रहा था, तब मैंने बताया था कि हम एक जगह पे आके एलॉय यूज कर लेंगे। एलॉय कब, जब हम बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट है जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्लास 12 में है, इसको करना है प्रैक्टिकल में, मान लो इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें 30 मिनट्स लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट तो नहीं मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो इतना टाइम में क्या होगा, जितना देर तक करंट जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो इस वायर का भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एलॉय अगर यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन यूज़ कर रहे हैं, तो ये वैसा वायर है जहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है तब भी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, इसमें कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैंगनीन या फिर कॉन्स्टेंटन वायर तुम क्यों यूज़ कर रहे हो, ये जो मीटर ब्रिज वायर है जो कि 1 मीटर लेंथ का है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। चलो अब देखो, अब इसमें तुम फिर से ये वही कहानी हो गया कि सर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस है और बाकी 2 रेजिस्टेंसेस कहाँ है, तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है ये तुम्हारे पास जो वायर है इसका रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब देखो, अब अगर तुम कहते हो कि ये जो जॉकी है इसको यहाँ से मूव करते हुए, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट तुम्हें मिल गया, ये पूरा लेंथ तुम्हारे पास हो गया 100 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्केल एक होगा, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया ना, इसलिए स्केल फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा, बट मैंने मेंशन कर दिया तुम्हें एक मीटर स्केल होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस तो है और 2 रेजिस्टेंसेस चाहिए। अब तुम बात को समझो, ये तुम्हारे पास एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, अभी अभी तो रेजिस्टेंस के बारे में बात हुआ ना, टेम्परेचर को डिस्कस करते हो, क्यों मैंगनीन और या फिर कॉन्स्टेंटन वायर यूज कर रहे हो, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब तुम कह रहे हो कि मैंने यहाँ पे रखा, जब इसको मूव करते करते मान लो तुमने इस पॉइंट पे रखा, तो इस पॉइंट को मैं डी नाम नेमिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका नाम मैंने डी दे दिया। तो अब देखो, अब तुम्हारे पास बी पॉइंट भी है और डी पॉइंट भी है, और तुम ये मेंशन कर रहे हो कि भाई जब मैंने यहाँ पे आर वाला कोई भी एक ओम उठा दिया वहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से, और उस रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये वैल्यू तुम्हारे पास नोन है, तुम जानते हो तुमने कितना हटाया है रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तुम यहाँ से जॉकी मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक मतलब मूव किए तुमने, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफरेंट डिफ्लेक्शन, कुछ एक रीडिंग दिखाया था यहाँ पे, और एक रीडिंग दिखाया था यहाँ पे, और एक रीडिंग दिखाया था इस पॉइंट पे, जब बी पॉइंट पे तुम पहुंच गए तब इट इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, इट इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो वही कंडीशन हो गया कि यहाँ पे ये जो एक लेंथ है, मान लो ये मेरे पास एल है,
इस लेंथ पे जाके, मतलब ए पॉइंट से, माइंड इट, ए पॉइंट से एल लेंथ में जब तुम मूव कर गए, चौकी से यहां तक मूव कर गए, तब तुम्हारे पास क्या हुआ? तब तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक बात सुनो, बाकी का लेंथ कितना है? तो फिर यहां से इतना पूरा 100 है, तो ये 100 माइनस एल है। तब एक बात बताओ मुझे, एल लेंथ का जो वेयर अब था यहां पे, इसका कोई रेजिस्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और तुम्हारे पास 100 माइनस एल जो बचा हुआ ये वाला लेंथ है, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम होंगे? तुम कहोगे नहीं सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस होगा, बहुत ज्यादा ये लेंथ है उसके लिए डिफरेंट कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड तो करेगा ही, क्लियर है ना। तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे जब हम जॉकी को यहाँ पे लेके आए हैं, तब हमारे पास नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। एट द सेम टाइम इस लेंथ पे एक रेजिस्टेंस होगा और इस लेंथ पे भी एक रेजिस्टेंस होगा। अगर तुम मेरे से पूछ ही लेते हो ना कि सर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू कितना है, तो मैं कहूँगा आर इक्वल टू रॉ एल बाई ए होगा। रॉ क्या है? तो अगर ये जो भी मटेरियल है, कॉन्स्टेंटन है या फिर मैंगनीन है, उसका रेजिस्टिविटी। ए क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल क्या है? इतना लेंथ। तो तुम कहोगे सर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको मान लो आर थ्री लिखते हैं और इसको आर फोर लिखते हैं, इसका होगा आर 100 माइनस एल बाई ए। आर फोर इक्वल टू रो इन टू 100 माइनस एल बाई ए। इसको मैंने क्यों लिखा बताओ? इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम्हें अब पता चले कि देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस, मान लो ये दोनों था, बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस कहाँ थे? तो बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस जब हमें नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे जॉकी जाने के बाद गैल्वेनोमीटर पे रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, उसको हम नल पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ? तो इस लेंथ के लिए एक रेजिस्टेंस होगा और उस लेंथ के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, देखो है ना, अलग अलग वैल्यू है। अब तुम्हारे पास R1 कितना है? R है। R2 कितना है? S है। R3 कितना है? इतना है। R4 कितना है? इतना है। अब तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि इस पॉइंट पे जाने के बाद जॉकी मूव करते हुए, जॉकी को ये वायर है ना, ये वायर है, कनेक्टेड है जॉकी को, मैंने कहा कि स्लाइड कर सकते हो, जॉकी को मूव करते हुए जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए, तब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो रिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो रिफ्लेक्शन, तो हम ऐसे कह सकते हैं दिस बाई दैट इक्वल टू दिस बाई दैट, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं आर, मतलब इसको अगर मैं आर वन कह रहा हूँ, तो आर वन बाई इसको आर थ्री कह रहा हूँ, आर वन बाई आर थ्री इक्वल टू आर टू बाई आर फोर, है ना। तो बहुत ही सिंपल था, चलो कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद, डी पॉइंट पे आने के बाद, हमारे पास ये हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट हमें मिल गया, नल पॉइंट डी पे है। कितना डिस्टेंस पे है? ए पॉइंट से लेके एल तक, ए पॉइंट से लेके एल डिस्टेंस पर है, ठीक है। सी पॉइंट से लेके 100, सी पॉइंट से लेके इसमें लिख देता हूं 100 माइनस एल, इतना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास, इफ द गैल्वेनो मीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, एट पॉइंट डी, तब हम क्या कह सकते हैं? तब तो हमारे पास फोर रेजिस्टेंसेस है, डिवाइड फोर रेजिस्टेंसेस है यहां पे, तब हम ये कह सकते हैं कि आर, मैं ऐसे लिखता हूं आर वन बाई आर थ्री, समझने के लिए लिख रहा हूं ये, वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है R1 ये पकड़ लिया, R2 ये पकड़ लिया, S है, R3 है ये, और बाकी का जो रेजिस्टेंस है R4 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, R2 by R4, है ना। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, ये है R, ये कितना है? रॉयल बाई A, ये हो गया तुम्हारे पास S, ये अननोन है, इसको डिटरमाइन करना है तुम्हें, है ना, डिवाइडेड बाई रो इन टू 100 लिख लेता हूँ यहाँ पे, रो इन टू 100 माइनस एल बाई ए, ठीक है। चलो अब ये रफ कर देता हूं मैं, ये ईएमएफ था तुम्हारे पास,
तो अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, निकल जाएगा ये, अगर ना लिखोगे तब भी चलेगा, बट मैंने यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर इसलिए मेंशन किया ताकि तुम विस्टन ब्रिज के साथ इसको मैच कर सको, कंपेयर कर सको, अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे रॉ रॉ ए ए कट गया है ना, तो रहा क्या इसका नेक्स्ट स्टेप, आर बाई एल इक्वल टू एस बाई 100 माइनस एल, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, मैंने पहले ही बताया था, ये हमारे पास जो होता है ये एक वायर होगा, ये एक वायर के हिसाब से दिया होगा, छोटा सा इतना इतना छोटा सा वायर होगा, तो इस ये अननोन है हमारे पास, ठीक है, ये नोन था ये अननोन है, तो इसको निकालना है तो निकाल लो, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेट फॉर्मूला आ गया। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, जो आर है मैंने कहा है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये नोन है, ये तुम जानते हो तुमने कितना अप्लाई किया हुआ है, मतलब कितना हटा दिया यहाँ से, जितना हटाया उतना अप्लाइड हो गया है ना। फिर देखो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे तुम्हें मिल रहा है कि 31 सेंटीमीटर, तो 31 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो बाकी जो है यहाँ पे है ना 69 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L और ये भी पता है तुम्हें, अगर L पता है तो 100 माइनस L तुम्हें पता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, S इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू R, वैसे ऐसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, यही तुम्हारा पास फाइनल आंसर है। तुम ये एल जानते हो, मतलब ए ए पॉइंट से कहाँ पे जाके तुम्हें नल पॉइंट मिला उसका लेंथ पता है, तो बाकी 100 से माइनस कर दोगे है ना, तो एल वन एल टू लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इंटेंशनली इसको लिखा, ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब इसको मैं थोड़ा और लिखूंगा, एस बाई आर इक्वल टू एस बाई आर इक्वल टू एल टू बाई एल वन, ठीक है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ कहीं पे, इसलिए मैंने इसको लिखा, अल्टीमेटली तुम्हें किताब में तो इतना ही मिल जाएगा, ख़त्म। तो ये सिंपल सा था, एकदम एक्सपेरिमेंटल है तुम्हारे पास सेटअप पूरा क्लास 12 में, इसको एक्सपेरिमेंटली करना है और अननोन जो वायर तुम्हें देगा उसका रेजिस्टेंस कितना है उसको निकालना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए तुम्हारे पास, एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए तुम्हारे पास, ये पूरा सेटअप चाहिए, ये मीटर ब्रिज का सेटअप होता है बहुत बड़ा, वन मीटर वाला, वन मीटर समझ रहे हो तुम लेंथ, उतना बड़ा एक सेटअप होता है, वहाँ पे वन मीटर मीटर स्केल भी रहेगा, ये सारा वुड का बना हुआ होता है ना, ये जो वायर होगा वो वहाँ से इनबिल्ट होगा उस सेटअप में होगा, कौन सा वायर होगा, बेसिकली कंस्टेंटन या फिर मैंगनीन का वायर होगा, क्यों होगा वो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर वाला कहानी है यहाँ पे, बाकी सारा वायर जो होगा वो कॉपर वायर ही होगा नॉर्मल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसी में होगा, इस लेंथ पे होगा, इसलिए इस लेंथ वाला वायर जो होगा वो कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन का होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जो कनेक्शन करना है वो ए और सी के बीच में सेल लगाना है विस्टन ब्रिज प्रिंसिपल में जैसे डायग्राम ड्रॉ किया था, और बी और डी के बीच में तुम्हारे पास और एक गैल्वेनोमीटर लगाना था, ये इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ तुम्हारे पास एक जॉकी है, जॉकी को तुम इस पॉइंट से लेके कहीं पे मूव कर सकते हो, बट मूव करते हुए तुम्हें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ज़रूर जहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, मतलब वो पॉइंट नल पॉइंट है, ठीक है ना, वो पॉइंट नल पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर है, तो लेट अस कंसीडर कि एल है, तो सी से कितना दूर है, 100 माइनस एल है, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर जब डिफ्लेक्शन ही नहीं दिया तब हम ये कह सकते हैं कि आर वन दिस बाई दैट, दिस रेजिस्टेंस बाई दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाई यहाँ पे इस लेंथ पे जितना रेजिस्टेंस है ना, करते हुए हमारे पास ये आ गया। अब क्लियर है, एक बार रिपीट कर दिया मैंने, तो चलो बहुत ही सिंपल था ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, जो कि विस्टन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब देखो इसका जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल तो तुम्हें किताब में मिल ही जाएगा, एक सॉल्व एग्जाम्पल में है, सॉल्व एग्जाम्पल में है, तो ये तुम्हारा होमवर्क होगा, तुम्हें खुद से करना है, बट मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या होमवर्क है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि तुम्हारे पास ना, इसको थोड़ा सा रब कर दूँ, अब करके फिर से एक बार ड्रॉ कर दूँ, सेटअप तो सेम ही है, तुम किताब से क्वेश्चन देख लो तब तक, फिर कहोगे क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, अगर तुमने पढ़ लिया ना। अब मैं इसको रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं रख रहा हूँ,
मैं डायरेक्ट इसको ना आर लिख दिया मैंने, और ये तुम्हारे पास एस हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारे पास लेंथ, जो मीटर ब्रिज वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और ये सेल है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ऐसे सिस्टम था ना तुम्हारे पास, तब ये जो गैल्वेनोमीटर है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी का रीडिंग जो आ रहा है ना, तो मान लो ये 31 सेंटीमीटर पे आ रहा है। एक्यूरेट डेटा जो है वो किताब में है, देख लेना वहाँ पे, 31.9 या ऐसा कुछ है, मतलब देख लेना, जो भी है 33.5 या 9 ऐसा कुछ है, देख लेना किताब से, तुम देख लो, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे 33.5 है, 7 है, 9 है, जो भी है तुम्हें मिल जाएगा। तो कह रहा है कि तुम्हें पहला, जब तुम्हारे पास नोन आर रेजिस्टेंस थे, जो भी रेजिस्टेंस तुमने यहाँ पे अप्लाई किया, और ये जो अननोन है, तो इस सेटअप में पहले तुम्हारे पास यहाँ पे लेंथ जो आया है वो 31 सेंटीमीटर आया है, मतलब 31 नहीं है, कुछ और डेटा है, वो मैंने बता दिया, बार बार मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो इतना जब तुम्हें बता दिया, तो तुम ये लिख सकते हो कि R by 31 इक्वल टू S by बाकी जो बचा 69 सेंटीमीटर है, कोई फ़ायदा नहीं मीटर में कन्वर्ट करके, है ना, दोनों डिवाइडेड बाय कट जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया। फिर ये क्वेश्चन में ये मेंशन कर रहा है कि अब ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, उसके साथ तुमने और एक रेजिस्टेंस 12 ओम का जोड़ दिया पैरेलल, ठीक है। पहले क्या था, पहले सिंपल ये 12 ओम नहीं था पैरेलल, सिर्फ ये था जो हमने अभी अभी सीखा, उस हिसाब से कह रहा है कि तब नल पॉइंट तुम्हारे पास 31 सेंटीमीटर में आ रहा है। 31 वैल्यू मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, किताब में कुछ और है। तो इससे हमने ये लिख लिया, खत्म। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कि ये जो अननोन तुम्हारे पास रेजिस्टेंस एस है, उसके साथ तुमने एक पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम लगा दिया। तो देखो, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके एस डैश करके लिखता हूं मैं, एस डैश इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। तो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू हो गया। इन दोनों को मिला के ये आंसर आया। तो मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऐसे फिर से ड्रॉ करता हूं, बट ये अब एस डैश है, सिंपल सी बात है। तो इस टाइम में इसको लगाने के बाद फिर से 31 तो नहीं आने वाला, कुछ डिफरेंट आया। तो अब नल पॉइंट आया कहीं और पे, मान लो यहां पे कहीं पे, मान लो यहां पे कहीं पे, इस पॉइंट पे आया, ठीक है, यहां पे आया, यहां पे आया। और इसका जो भी है डेटा तो गिवन है, मैं मानता हूं कि ये 45 सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये वाला जो है 45 सेंटीमीटर पे है, तो बाकी 55 ये है। अब सिंपल सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, तो सेकेंड इक्वेशन होगा कि R by 45, ये डेटा तुम खुद से चेक कर लोगे एनसीईआरटी की किताब से, है तुम्हारे पास R by 45 इक्वल टू S डैश, अब तो सिर्फ S नहीं है, S डैश है, दोनों को मिला के जो हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 55। तो क्वेश्चन है कि R और S, R कितना है उसको निकालो और S कितना है उसको निकालो, क्वेश्चन तो तुम देख ही चुके हो। तो अब क्या करना है, अब S डैश जो है वो क्या है, वो है 12S by 12 प्लस एस, ठीक है। अब तो हो गया तुम्हारे पास R by 45 इक्वल टू 12S by 12 प्लस एस। तो क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 दे दो, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, तो डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो। तो R R कट जाएगा, डिवाइड करने से S S भी कट जाएगा, है ना। फिर तुम्हारे पास यहां पे S रहेगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, फिर इस S का वैल्यू यहां पे पुट कर देना, R का वैल्यू निकल जाएगा, खत्म। तो इतना टफ एक प्रॉब्लम है नहीं, इसी तरीके का प्रॉब्लम जो है एंट्रेंस में भी आते हैं नीट में। तो क्या था, फिर से एक बार कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेस थे, एक नोन एक अननोन, दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए कहा गया इस प्रॉब्लम में। तो पहले बताया कि पहले जो नोन और अननोन रेजिस्टेंस थे, उस टाइम पे एक नल पॉइंट आ रहा था, जो कि मान लो मैंने कहा कि 31 सेंटीमीटर, तो उस टाइम में तुमने ये इक्वेशन लिख लिया, है ना। फिर कह रहा है कि इसके साथ जो अननोन थे, इसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो नल पॉइंट आया वो 45 सेंटीमीटर में आया। तो पहले हमने इसको ठीक कर लिया, ये आंसर आ गया इसका, तब ये रेजिस्टेंस हमें पता, ये है इसका आंसर, और ये तो जो था नोन वही था, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्वेशन था वो ऐसे आया, फिर एस डैश का वैल्यू हमने पुट किया, फिर मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया, कहा कि इन दोनों को डिवाइड करो, आर आर कट जाएगा, ऊपर एस कट जाएगा, नीचे ये रहेगा, इससे तुम्हें एस का वैल्यू मिलेगा सर्टेन ओम, फिर इस एस को यहाँ पे पुट करो तो आर सर्टेन ओम निकल जाएगा, किताब से आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आई होप कि कर पाओगे, बहुत ही ईजी था।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इतना टफ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब जो हम करने जा रहे हैं ना वो ये है, जो मैंने नीट का एनालिसिस किया है वहां पे मैंने बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से और एक प्रॉब्लम आया जो कि मीटर ब्रिज का था, क्योंकि मैंने मीटर ब्रिज करवाया नहीं इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो अब तो मीटर ब्रिज का जो फंडा है वो क्लियर है तुम्हारे पास, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो 13 सितंबर 2020 को हुआ है ना। तो देखो, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हारे पास है ना तो अच्छा है कि तुम देख रहे हो, अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास तो वेल एंड गुड, देख लो, नहीं है तो मेरे से समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, और जो नॉन रेजिस्टेंस है इसको इन्होंने इस गैप पे लगाया। मतलब कह रहे कि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में इन्होंने अननोन रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, और इस साइड में इन्होंने जो रेजिस्टेंस लगाया वो नॉन है जो कि 10 ओम है। ठीक है, तो नीट का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा घुमा के दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं इस सिस्टम में इन्होंने क्या किया, ये जो मीटर ब्रिज वायर है इस सिस्टम में इन रेजिस्टेंसेस के वजह से ये जो मीटर ब्रिज वायर है उसका लेंथ को इन्होंने 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब तुम कहोगे सर लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, तो हम मैंने बताया था कि जैसे कि RYS, ठीक है, ऐसे L1/L2 करके लिखा था मैंने, तो तुम्हारे पास मतलब दिस बाई दैट इक्वल टू दिस बाई दैट होता है। ठीक है, दिस बाई दैट जो भी जितना भी यहाँ पे लेंथ बचा हुआ है, मतलब तुम्हें L1/L2 जो है वो 3/2 गिवन है, ये याद रखना। तुम्हें यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट D है मेरे पास और यहाँ पे जो नल पॉइंट आया कितना रेजिस्टेंस है वो नहीं दिया, या फिर यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है वो नहीं दिया, और डायरेक्ट तुम्हें ये भी नहीं बोला कि इस जगह पे आके नल पॉइंट हुआ। उन्होंने बोला जो नल पॉइंट हुआ उस हिसाब से ये इस वायर को इस लेंथ में डिवाइड करते हैं। जो नल पॉइंट तुम्हें मिल रहा है इस सिस्टम में, जब तुमने घुमा दिया, मतलब अननोन को इस साइड में रखा, नोन को इस साइड में रखा, तब तुम्हारे पास जो इस पोटेंशियो सॉरी इस मीटर ब्रिज का जो वायर है इसको इन्होंने ऐसे ब्रेक किया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास सिंपल है, जहां पे भी हो दिस डिवाइडेड बाय दैट इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दैट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एस बाई 3 इक्वल टू 10/2, या फिर तुम ऐसे लिखो एस बाई 10 इक्वल टू 3/2, सिंपल। मैंने कहा ना RYS इक्वल टू L1/L2, एक L1/L2 करके मैंने बॉक्स बनाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने सीखा था तब तो यहाँ पे R था है ना, और यहाँ पे क्या था, S था, बट हमने जो सीखा वो तो ये, जो भी हो ये नोन हो या अननोन हो, दिस डिवाइडेड बाय दैट इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दैट, ये तो था हमारे पास है ना। तो अल्टीमेटली दिस बाय दैट मतलब एस बाय 10 इक्वल टू 3/2, अल्टीमेटली हमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, अल्टीमेटली हमें ये गिवन है ना, ये चीज क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर तो फिर ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, अगर ये चीज क्लियर है तो ये कुछ ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इससे तुम एस अननोन रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू निकाल लोगे 3, और यहाँ पे तुम्हारे पास 10 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास 15 ओम का आ गया। ये क्वेश्चन है नहीं, तुम्हें ये नहीं कहा, इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि अननोन रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना है, ये तुमसे नहीं पूछा पहली बात। तो पूछा क्या, पूछा ये कि जो तुम्हारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, जो तुम्हारे पास अननोन रेजिस्टेंस है मतलब एक वायर है ना, उस वायर का लेंथ है तुम्हारे पास 1.5 मीटर। बात को समझो, ये तो एक्चुअली एक वायर होता है, मैंने कहा था कि छोटा सा वायर है, तो उसका लेंथ इन्होंने बताया 1.5 मीटर, बहुत लंबा वायर है। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, बनाया उन्होंने। तो इस
जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू तुमने अभी अभी निकाल लिया 15 ओम, उसका लेंथ दिया गया 1.5 मीटर। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 1 ओम इसका रेजिस्टेंस होता तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होता वो कितना होता? नहीं क्लियर है? क्वेश्चन सामने है तो तुम देख ही लोगे, अदरवाइज मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि अननोन रेजिस्टेंस को इस गैप में मतलब लेफ्ट गैप में, नोन को इस गैप में मतलब राइट गैप में, फिर कह रहा है कि नोन का वैल्यू 10 ओम है, फिर बताया इस सिस्टम में इन्होंने जो बार बार पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर है, इस सिस्टम में जो मीटर ब्रिज वायर है इसको इन्होंने 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब तुम्हें ये चीज गिवन है ना, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस लेंथ, दिस रेजिस्टेंस बाय दैट लेंथ, तो इस हिसाब से ये सिस्टम गिवन है तुम्हारे पास। तो इससे तुमने क्या कर लिया, अननोन जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकाल लिया, बट ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अगर इसका जो लेंथ है, जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका लेंथ अगर 1.5 मीटर है, तो 1 ओम ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये अगर 1 ओम होता तो कितना लेंथ आता इसमें। तो यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे यहां पे, यूनिटरी मेथड मतलब क्या कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास 15 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसका लेंथ होता है 1.5 मीटर, देयरफॉर मेरे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसका 1.5 बाई 15, देखो यही तो क्वेश्चन है, 1 ओम में कितना लेंथ रहेगा, अगर जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस तुमने निकाला हुआ है 15 ओम, उसका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इसका 1 ओम रेजिस्टेंस होता तो इसमें कितना लेंथ आता, तो ये होता आंसर, तो ये आंसर कितना है 0.1। अल्टीमेटली ऑप्शन तुम देखोगे तो 1 × 10⁻¹ मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो नीट का क्वेश्चन है, इतना मतलब टफ नहीं था, बट इस जगह पे बच्चे शायद घबरा गए, बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा है तो ये प्रॉब्लम कर नहीं पाया, बहुत ही ईजी टाइप का प्रॉब्लम था, यहाँ पे बस ये चेंज किया है उन्होंने दोनों रेजिस्टेंसेस के पोजीशन, जो हम सीखते हैं जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम यहाँ पे नोन रखेंगे यहाँ पे अननोन रखेंगे, ठीक है, वही रूल होता है, और तुम कोई सा भी किताब देख लो वहाँ पे ऐसे ही होता है, बट यहाँ नीट का क्वेश्चन बनाया है इन्होंने तो थोड़ा सा चेंज करके दिया, बट थीम वही रहेगा कि दिस डिवाइडेड बाई दैट लेंथ, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दैट लेंथ, उसी से तुम्हें अननोन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा वैल्यू। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि अगर अननोन का जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर अगर होता है, तो अगर इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस होता है तो उसमें कितना लेंथ आएगा, तो इतना लेंथ आएगा, ठीक है, खत्म, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इतना टफ नहीं होता, इजी होता है, और मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम ज़्यादातर अगर बोर्ड में पूछता है ना तो मीटर ब्रिज पूरा बना के देता है, पूरा सेटअप मतलब ड्रॉ करके देता है, तो इसमें मीटर ब्रिज तुम देख लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर तुम देख रहे हो तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन बोर्ड में अगर पूछ रहा है ना तो बना के पूरा डायग्राम बना के देता है, और नीट का क्वेश्चन है वैसे डायग्राम बना के नहीं दिया, इस बार का जो क्वेश्चन था वहां पे डायग्राम बना के नहीं दिया, नीट का क्वेश्चन है उतना डायग्राम बना के नहीं देगा। चलो नेक्स्ट, एक मैंने होमवर्क दिया था वो क्यूब वाला एक प्रॉब्लम था जिसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ता है, उसमें शायद इक्विवेलेंट सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल शायद 3.6 होगा, आई होप सो, देख लो, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसको कर नहीं पाए, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत ईजी है, तो देख लेते हैं चलो जल्दी से। एक क्यूब है तुम्हारे पास, इसके सारे आर्म्स पे रेजिस्टेंसेस है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, तुम तब तक किताब से देख ही लो, सॉल्व एग्जांपल में मिल जाएगा, ये जो ईएमएफ है ये 10 वोल्ट का है, ठीक है, और सारे आर्म्स में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम भी कर लो जल्दी जल्दी, फिर सॉल्व कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने में ही टाइम चला जाता है, ये था क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग हम कर देंगे। चलो तो इसमें ना तुम्हें कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
वो निकालना है, मतलब ये पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और सारा रेजिस्टेंसेस 1 ओम का है, ऐसे मैं 1 ओम नहीं देता, वो मेंशन कर दिया, सारा जो है इक्वल है, मतलब सारा रेजिस्टेंसेस इक्वल है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये अगर अनइक्वल होता तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, ये इक्वल है इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा। तो सारा रेजिस्टेंसेस इक्वल है जो कि 1 ओम का है, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये जो नेटवर्क बन गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क देखने में लगता है, तो कह रहे हैं कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, मैंने कहा था यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, उस करंट को हम आई नहीं लिखेंगे, 3 आई लिख देंगे। तो 3 आई लिखने से फ़ायदा ये होगा कि देखो ये इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे भी आई होगा। क्यों इक्वली डिवाइडेड होगा? क्योंकि सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है तीनों पाथ में, तीन पाथ में तो इसको डिवाइड होना ही है, बट सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये इक्वली डिवाइड होगा, क्लियर। अब देखो, अब इसको पकड़ते हैं ना, ये आई यहाँ से जाएगा, जाते हुए इस जगह पे देखो ये आई बाई टू हो जाएगा, और ये एक रेजिस्टेंस मिला इसको, यहाँ पे भी आई बाई टू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको पकड़ते हैं, ये आई यहाँ से गया तो यहाँ पे, मतलब इस रेजिस्टेंस से जब जाएगा ये आई बाई टू, और यहाँ से जब जाएगा ये आई बाई टू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 3 आई जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये भी तो सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है दो पथ में इसको। फिर इससे चलो ये चलते हुए इसको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी आई बाई टू होगा और ये भी आई बाई टू होगा, क्लियर है। अब देखो, अब तुम कहो सर इसमें, तो इसमें देखो ये अब जो मैं बताने वाला हूँ वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये आई बाई टू आया यहाँ पे, और यहाँ से एक आई बाई टू आया यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आई करंट गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ से आई बाई टू जा रहा है और यहां से आई बाई टू आ रहा है, तो इसमें कितना गया? आई गया, ठीक है। फिर ये आई बाई टू यहां से गया और ये आई बाई टू यहां से गया, तो अल्टीमेटली यहां से आई गया, ठीक है। फिर ये आई आके यहां पे आया, ये आई आके भी यहां पे आया और ये वाला आई आके यहां पे आया, अल्टीमेटली 3 आया। मैंने पहले ही बताया था जितना करंट निकलेगा उतना करंट घुसेगा भी, तो यही था इसमें, सिंपल सा प्रॉब्लम था। ये वाला चीज़ ही समझने, मतलब समझना चाहिए तुम्हें एक्चुअली, आई बाई टू, 3 आई, आई, ये सारा चीज़ यहाँ पे शायद तुम्हें दिक्कत कर रहा होगा कि किताब में तुम देख चुके होगे, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सिंपल था, मैंने हिंट एक बताया था कि तुम्हारे पास अगर ये करंट जा रहा है और 3 रूट इसे मिल रहा है तो डिवाइड तो होगा। अब बात यह है कि सारे 1 ओम का है, मैंने 1 ओम यहाँ पर नहीं लिखा, मैंशन कर दिया, तो इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो इक्वली करंट डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने बता दिया कि कैसे यहाँ पे आई बाई टू हो रहा है, फिर से दो पाथ मिल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर ये आई बाई टू करके डिवाइड हुआ, ये यहाँ पे गया, ये एक रेजिस्टेंस मिला, ये एक रेजिस्टेंस मिला, तो आई बाई टू डिवाइड हुआ है ना, और यहाँ से आई बाई टू। तो सिंपल है, ये डायग्राम ही तुम्हारा प्रॉब्लम आधा सॉल्व कर दिया एक्चुअली, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम का, इस पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और पूरा सिस्टम का जो करंट है वो तो तुमने 3 आई पकड़ा, और पूरा सिस्टम में जो ईएमएफ अप्लाइड है वो तो 10 वोल्ट है। इसका मतलब तुम मेरे से ये कहोगे सर ये आपने तो व्हीकल द्वारा ही लिख दिया, यहां पे लिखा हाँ, और तुम ये कहोगे सर आई का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो ना तो आर का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 10 तो गिवन है, ये अगर हम निकाल लेते हैं आई कितना है तो आर का वैल्यू तो निकल जाएगा यहाँ से। तो पहले ये मैंने ये बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, तो आई का वैल्यू निकालना है ना, तो आई का वैल्यू निकालने के लिए ना तुम्हें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, बट कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट। तो हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई और ये ए, ये ई एम एफ वाला ई नहीं लिखा मैंने, पॉइंट वाला ई लिखा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई ए, तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे इसी रास्ते पे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ई ए, ठीक है, किरचॉफ लॉ के लिए क्या करेंगे? केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज्ड लूप दिस, ठीक है। तो हम ईएमएफ वाला एक साइड में रखेंगे और आर आई इसका समीशन
और ईएमएफ वाला, ईएमएफ वाला के समीशन एक साइड और आरआई वाले के समीशन और एक साइड पर रखेंगे, है ना। फिर देखेंगे किस तरीके से घूम रहा है उस रूट से, ईएमएफ होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली देखो ऐसे घूम रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, एक ही ईएमएफ मिला इस क्लोज लूप में, तुम्हारे पास ईएमएफ एक ही मिला जो कि 10 वोल्ट का है, तो इस साइड आराम से 10 लिख दो। और कोई भी ईएमएफ है नहीं, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, पहली बात। अब चलो आरआई देखते हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ पे मिला आर कितना है 1, तो 1 × I ऐसे जा रहे हो, डायरेक्शन भी ऐसे है, तुम भी ऐसे घूम रहे हो, फिर यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि तुम ऐसे जा रहे हो, तुम घूम ऐसे रहे हो और करंट भी ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पे I/2 × 1, रेजिस्टेंस तो 1 ओम का है। फिर यहाँ से तुमने जो लिया वो तो ऐसे लिया है ना, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये I हो गया, तो प्लस ये I हो जाएगा × 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से 3I प्लस 3I, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंसेस है ही नहीं, तो 3I × 0 मतलब ये वाला टर्म तो रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। चलो यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया तुम्हारे पास I, ये I और ये I, 2I और मतलब 5/2I, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो I = 4 एम्पियर निकला। तो अगर तुम्हें I = 4 एम्पियर निकला, बट तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो तुम कहते टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट 3 × I, तो मतलब 12 एम्पियर। एक्चुअली पूरा सर्किट में जो जा रहा है ये जा रहा है ना, ये हमने पकड़ा हुआ है 3I, हमने क्यों पकड़ा, हम I पकड़ सकते थे बट I पकड़ने से यहाँ पे I/3 हो जाता, बाद में I/6 हो जाता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसलिए हमने I नहीं पकड़ा, सिर्फ 3I पकड़ा ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। तो टोटल करंट, ये मेरा क्वेश्चन है नहीं वैसे, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना है नहीं पूछा, बट मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 12 एम्पियर है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो तब हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम में पकड़ लिया, ये पूरा है R, तो पूरा सिस्टम का इक्वल रेजिस्टेंस R है, पूरा सिस्टम में करंट जा रहा है 3I और पूरा सिस्टम का पोटेंशियल है तुम्हारे पास 10 वोल्ट, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं 10 = 3I × R, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 10/3 × 4, तो ये हो जाएगा 5/2 है ना, तो 5/6, तो तुम्हारे पास 5/6 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल था, = 5/6 ओम, ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें टोटल करंट नहीं पूछा, बट मैंने बता दिया टोटल करंट मेन यही है कि 3I तुमने क्यों पकड़ा, 3I तुमने इसलिए पकड़ा ताकि करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब हो तब I/3 हम ना लिखें, मतलब इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना करें, फिर I/6 करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने 3I लिखा हुआ। क्लियर है ये वाला पॉइंट, अगर इतना समझ चुके हो ना, ये अगर तुम ड्रॉ कर पा रहे हो ना कहाँ पे I/2 जा रहा है कहाँ पे I जा रहा है, तब तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और किरचॉफ लॉ तुम जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस और इसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट I है, इसका I/2 और इसका I है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं बट करंट 3I है, 3I × 0 हो गया, फिर तो हो गया तुम्हारे पास एक जगह पे तुमने क्या किया KVL अप्लाई कर दिया और एक जगह पे पूरा R पकड़ लिया तुमने, पूरा करंट 3I है, पूरे में पोटेंशियल 10 वोल्ट है, हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम, क्लियर। चलो तो आई होप कि जिन्होंने कर पाया ठीक है, वेल एंड गुड, और जो कर नहीं पाया जो मुझे बता रहे थे तो मैंने सॉल्व करके दे दिया। और एक प्रॉब्लम है उसको मैंने बताया था ऐसे है, विस्टन ब्रिज की तरह लगता है देखने में, बट ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम ऐसा था जो कि विस्टन ब्रिज की तरह देखने में लगता है बट ये विस्टन ब्रिज प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि this by that नहीं हो रहा है। अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे this by that ratio नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तुम एक क्लोज लूप ऐसे पकड़ोगे, एक ऐसे भी पकड़ सकते हो, ये दोनों पकड़ के करो, ठीक है, ये खुद से करना है तुम्हें कर देना, KVL अप्लाई करो, KVL अप्लाई करने से हो जाएगा, KVL अप्लाई करने से ये हो जाएगा। वैसे किताब में सॉल्व भी है ये,
तो मुझे एक्यूरेट डेटा याद भी नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा, बट कोई 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 स्टूडेंट है ऐसा जो मुझे कह रहा है करने के लिए, तो आई होप कि तुम कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। केवीएल अप्लाई करो, किताब से थोड़ा सा देख लो, हो जाएगा, केवीएल से ये हो जाएगा। बहुतों ने किया हुआ है, कमेंट में मुझे बताया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, खुद से कर लो। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम पोटेंशियोमीटर करेंगे। बार बार आज के वीडियो में बार बार पोटेंशियोमीटर वर्ड आ रहा था, मीटर ब्रिज में, तो पोटेंशियोमीटर करेंगे, उसका दो एप्लीकेशन है, और पावर पावर का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बल्ब रिलेटेड, तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँ और लेंदी ना करूँ, और अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है ना ख़त्म होने के बाद, फिर तुम मुझे बताना कमेंट पे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताना। आज का नीट का जो प्रॉब्लम है वो तुमने देखा कि किस तरीके का प्रॉब्लम एक्चुअली नीट में आ रहा है, बहुत ही टफ नहीं था, समझने वाली बात थी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इतना समझ में, मतलब दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलो बाय बाय।